in class 11, and congratulations for also to being choosing the math subject. Hopefully all are standard mathematician there, and some also have taken additional maths as well. So students, स्टार्ट करते हैं हम पहले बुक की बात करते हैं. तो बुक के लिए कंफर्म मैं आपको कहूंगा कि यू ओनली हैव टू ब्रिंग एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 11. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी बुक. बहुत अच्छी बुक है, काफी कंटेंट्स है. तो आपको बुक परचेज करनी है जो दैट विल बी एनसीईआरटी ही रहेगी. और सिलेबस की अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पर सिलेबस आ जाएगा. जो भी टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़े उनको हम अपग्रेड करेंगे क्लास 11 में. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे आपको. तो बिफोर वी स्टार्ट द सिलेबस, आप लोग अपना सारा का सिलेबस कंटेंट चेक कर लीजिए कि क्या क्या इसके अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं. एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आज हम उससे स्टार्ट करेंगे कि दिस इज योर चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो आप सेकंड टॉपिक देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इससे आप फेमिलियर है ऑलरेडी. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, दिस इज न्यू टॉपिक फॉर यू. ये पहले आपने नहीं सुना है, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे कि इसका मतलब क्या है और क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की. क्लास 10 के तक जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, स्टार्ट करते हैं हम जैसे कि नेचुरल नंबर से, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, देन कम्स रियल नंबर. ठीक है, तो वो एक पूरी फैमिली थी कि रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम मिला दें तो आपका रियल नंबर बन जाता था. ठीक है, तो अब जो है नया नंबर बन के आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड व्हाई डू वी नीड दैट नंबर, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम उसको कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नाम में, तो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं यहाँ पर, सिंपल सी दो ले रहा हूं इनफैक्ट, एक तो ये वाली है और दूसरी यही है. इन दो को सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालते हो. तो यहां से देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा. और x की वैल्यू क्या निकाल देते थे, प्लस माइनस अनरूट 1, मतलब जो भी नंबर यहां पर है उसका यहां पर आकर स्क्वेयर रूट हो जाता है. ठीक है, वो स्क्वेयर रूट सोल्व करने के बाद आप प्लस माइनस लगाते हो, ये करते हो. जैसे कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जीरो है, तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 25, प्लस माइनस आ जाता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, प्लस माइनस यहां भी लगा सकते. ठीक है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, इधर भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, बड़ी इजिली सोल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ पर. बट यहाँ पर बात करते हैं, दोनों यही एग्जाम्पल यहाँ पर लूंगा मैं, अगर एक्स ये प्लस इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, इस स्टेप के अकॉर्डिंग चलो. अब यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या बनना चाहिए, अंडर रूट बनना चाहिए, तो अंडर रूट बनेगा और किसका बनेगा, इस नंबर का बनेगा, और बाद में वो प्लस माइनस आता है. सिमिलरली इस एग्जांपल पर आ जाओ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 25 यहाँ पर होता इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25, तो एक्स इक्वल टू क्या आता, प्लस माइनस तो लगता ही, और ऊपर क्या है, माइनस 25. मतलब इस टाइप की स्टेटमेंट आपने वहां पर नहीं सोल्व की थी. जहां पर भी ये आता था ना, तो हम ये बोल देते थे कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने तीन वैल्यूज पढ़ी थी, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0. इसमें क्या पढ़ा था आपने, डिस्टिंक्ट रूट, रूट जो डिस्टिंक्ट होते हैं. इसमें क्या था, इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स बल्कि, और इसमें नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होते. तो ये जो पढ़ा था वहां पर रियल रूट में एप्लीकेबल नहीं था. ये चीज हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. ठीक है, सेम काम यहाँ पर, जैसे इसको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बट ये जो आ रहा है ना यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड आयोटा, इसको हम आयोटा बोलते हैं. आई से डिनोट करते हैं, फुल होता ही ऐसे आयोटा. ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू क्या है, यहां से अंडर रूट ऑफ माइनस 1, जैसे ये बनाना यहाँ पर अंडर रूट ऑफ माइनस 1. इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो आयोटा है वो एक रूट है, किसका, इस इक्वेशन का. ठीक है, आयोटा इज अ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यहां से सोल्व करके आयोटा आ रहा है. जैसे अगर इसको आप सोल्व करोगे, x इज इक्वल टू माइनस 25 ये उठा रहा हूं मैं, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 25 ऐसे लिख दिया मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1, लिख सकते हैं ना इसको. तो अंडर रूट 25 तो पता है आपको 5 बनेगा, और ये क्या बचा है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ माइनस 1, इसको सोल्व करके ये बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा. इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 5 ऑफ आयोटा. इस टाइप से करना है, समझ में आया होगा आपको होपफुली, आयोटा की ये नोटेशन होती है, इस टाइप से करना है. ठीक है, अगर आयोटा स्क्वेयर होगा तो ये पावर माइनस 1 चली जाती है.
इसके बारे में हम बात करेंगे, पावर्स के बारे में, वो टॉपिक अलग से आएगा कि आयोटा की पावर 3 क्या होता है, आयोटा की पावर 4 क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो। उससे पहले हम बात करेंगे अब स्टैंडर्ड फॉर्म की कि आयोटा होता क्या, किस टाइप का नंबर है। तो हम जेड से डिनोट करते हैं इसको, ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ये होता है भी आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर बात करें 2+3 आयोटा, -7+ आयोटा, 1/√13, सो इस टाइप के जो एग्जांपल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन रियल और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका इमेजिनरी नंबर नहीं है। इसको लिखने का तरीका भी बताता हूं मैं आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बात ये होता है, डिनोट करते हैं जेड से, ए एंड बी क्या है यहाँ पर रियल नंबर से, ये इसके क्या बन गया एग्जाम्पल्स बन गए, ठीक है। तो इस पार्ट को देखो कैसे लिखते हैं हम, दिस इज रियल ऑफ जेड, डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये लिखने का तरीका होता है। अब जैसे ये है, इसका रियल पार्ट क्या है जेड का ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बी, ठीक है। इस टाइप से इस एग्जाम्पल पर आ जाओ, रियल पार्ट क्या जेड का यहाँ पर ए यानी कि 2, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या जेड का यहाँ पर 3। आयोटा नहीं लिखेंगे, इमेजिनरी पहले ही लिख दिया है। आयोटा मतलब इमेजिनरी होता है, जो हम इमेजिन करते हैं। इस पर आ जाओ, अब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है यहाँ पर -7, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है यहाँ पर 1/√13, इस टाइप से हो, ठीक है। तो ये नोटेशन है, इसको डिनोट करते हैं जेड से। लिखने का तरीका ये होता है, ए एंड बी रियल नंबर होते हैं, ये एग्जांपल हो गए, रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा, सो ऑन इन सभी एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये इसका अभी इंट्रो पार्ट है, बेसिक्स पढ़ेंगे बहुत सारा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको इसको पढ़ने में। टिल देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यस, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बात करते हैं। इक्वालिटी की बात हो रही, इट मीन्स देयर विल बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट मान लिया मैंने Z1 है, और सेकंड मान लिया Z2 है, ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा मान लिया हमने सी प्लस आयोटा डी। तो कंडीशन ये है कि Z1 इक्वल टू Z2 कब होएगा, वेन, कब पॉसिबल है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो। तो उसी कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ, कब होएगा, ए इक्वल टू सी हो एंड बी इक्वल टू डी, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 ऐसे लिख लेते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये कंडीशन है इक्वेलिटी की, ठीक है। एग्जांपल करते हैं हम इसके ऊपर, आपका एग्जांपल 1 है, इफ 4x plus iota इंटू में 3x minus y, इक्वेलिटी गिवन है इसमें, और आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, 3+ में आयोटा ऑफ -6, 3+ में आयोटा ओ -6, ये क्वेश्चन है। फाइंड देखो क्या करना है, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर है, एंड यू हैव टू फाइंड देयर वैल्यूज, ठीक है। अब इक्वेलिटी ऑलरेडी गिवन है, तो ये कंडीशन लिखवा देंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ये आपका Z1 हो गया और ये Z2 हो गया, तो यहाँ से 4x इक्वल टू क्या आएगा 3, एंड यहाँ से 3x minus y = -6। इस चीज का ध्यान रखना है, इमेजिनरी पार्ट उठाते वक्त आयोटा साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं, तो वो अंडरस्टूड है कि आयोटा उसके साथ है। तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ ये है 3x minus y = -6। तो यहाँ से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज x = 3/4, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 3/4 है, -y = -6, तो ये बना आपका 9/4, ये इधर आकर += y, इसको सोल्व कर देंगे, 4 LCM = y, तो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आ गई यहां से 33/4। तो इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होती है, ठीक है। इस टाइप से पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हम इसमें सारी चीजें पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लीकेशन की क्या प्रॉपर्टी है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टी, इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एडिशन ले रहा हूं मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, Z1 मैंने ले लिया ए प्लस आयोटा बी, और Z2 मैंने ले लिया यहाँ पर C+ iota d। तो इन दोनों को ऐड करना, एडिशन की बात हो रही है,
तो जेड वन प्लस जेड टू वही कंडीशन है यहाँ पर, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, तो इनको ऐड करेंगे ए प्लस आयोटा बी प्लस में सी प्लस आयोटा बी। तो रियल पार्ट अलग कलेक्ट करो और इमेजिनरी पार्ट अलग, रियल कौन कौन से ए और सी, तो इनको अलग कर लिया, प्लस में क्या बचा आयोटा बी प्लस में आयोटा डी, तो ए प्लस बी सी एज इट इज प्लस में आयोटा कॉमन आ गया यहाँ पर बी प्लस डी। तो देखो यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो है इमेजिनरी सॉरी रियल पार्ट और है जेड वन प्लस जेड टू, ऐसे लिखोगे आप इसको रियल ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड इमेजिनरी ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू बी प्लस डी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो यू अगेन गेटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर यू ऑलवेज गेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहां पर, जेड वन मैंने ले लिया टू प्लस थ्री आयोटा और जेड टू में ले रहा हूं यहां पर माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, तो इनको ऐड करके दिखाना इस टाइप से जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा और प्लस में माइनस थ्री ऑफ प्लस फोर आयोटा, तो ये बन गया आपका टू प्लस थ्री आयोटा माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। वही करेंगे, कलेक्ट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अलग अलग कर लो, टू माइनस थ्री हो गया प्लस थ्री आयोटा प्लस फोर आयोटा, तो ये बन गया माइनस वन प्लस में सेवन आयोटा। तो अगेन जेड वन और जेड टू वर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने दोनों को ऐड किया और अगेन आपको क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है, जहां पर रियल पार्ट क्या इसका माइनस वन है और इमेजिनरी पार्ट क्या इसका सेवन है, ठीक है। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकेंड इसमें आती है फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव देखो कौन सी होती है, एसोसिएटिव क्लोजर होगी। ये सारी प्रॉपर्टी आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जिस भी नंबर के ऊपर लगेगी हम उसको उसी का नाम दे देते हैं। तो यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी चल रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की चल रही है। मतलब क्या होती है, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अगर आप करोगे तो वो इक्वल आएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, इस टाइप से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहां पर पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल। सो दीज आर फर्स्ट टू प्रॉपर्टी, कोर्स के इसको नोट करिए। थर्ड वन है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है, जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन, ये हमेशा इक्वल रहते हैं, ठीक है, ये बेसिक सी होती है। फिर आती है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि वापस आपको वही नंबर मिल जाए। जैसे फोर में क्या ऐड करूंगी, फोर मिले जीरो, ठीक है, तो यहां पर भी जीरो रहेगी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे जीरो प्लस जीरो आयोटा, जिसको हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कोई जेड है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड में क्या ऐड करूंगी, जेड ही मिल जाए, तो ये जीरो ऐड कर देंगे यहां पर, जीरो प्लस आयोटा जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे भी लिख सकते हैं, तो वापस क्या आ जाएगा ए प्लस आयोटा। सो दिस इज योर एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ वन है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स देखो क्या होता है, भाई किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि जीरो बन जाए, यही होता है। जैसे फाइव में क्या ऐड करूंगी, जीरो आए, माइनस फाइव ऐड करना पड़ेगा, इस टाइप से फाइव में क्या ऐड करें, माइनस फाइव तो क्या है, जीरो। इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, भाई इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, जीरो आए, तो वो ये जेड वन है, ये जेड टू हो गया, माइनस ए प्लस ऑफ आयोटा माइनस ये आयोटा है, तो इस टाइप का नंबर बन जाएगा। तो इसकी एडिटिव इनवर्स क्या है, ये दोनों को ऐड करेंगे जेड वन प्लस जेड टू, तो क्या आ जाएगा यहां से, जीरो। तो दिस इज कॉल्ड योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, पॉज द वीडियो। नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने एडिशन पढ़ा है, अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कैसे बनेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक लिखने का तरीका z1 माइनस z2, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको,
ठीक है, एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। एक z1 हमने ले लिया यहाँ पर 6 प्लस 4 आयोटा, और z2 मैं ले रहा हूँ 3 प्लस 2 आयोटा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है इस टाइप से। तो ये मैंने 6 प्लस 4 आयोटा माइनस ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, लिखने का तरीका ऐसे। अब वही सॉल्व करना है, 6 प्लस 4 आयोटा ब्रैकेट ओपन कर दो, ये बन गया यहाँ से, रियल नंबर अलग कर लो और इमेजिनरी नंबर अलग, तो ये क्या बनाया यहाँ से 3 प्लस में 2 आयोटा, तो सोल्व करके ये आ गया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वही सारी प्रॉपर्टी होल्ड करने वाली है। इसमें भी क्लोजर लेंगे हम, कम्यूटेटिव लेंगे, एसोसिएटिव लेंगे, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया यहाँ पर, जेड वन इज टू ए प्लस आयोटा बी एंड जेड टू इज टू सी प्लस आयोटा डी। पहले हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब जेड वन इंटू में जेड टू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू में सी प्लस आयोटा डी। तो बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से हो रही है, कर दो। पहले ए की मल्टीप्लाई करनी है सी प्लस आयोटा डी से, फिर प्लस में आयोटा बी की मल्टीप्लाई करनी है सी प्लस आयोटा डी से। तो ये बनेगा ए सी प्लस में आयोटा ऑफ ए डी, आयोटा को अलग रखा करो पहले और फिर नंबर, प्लस में ये बना आयोटा ऑफ बी सी, प्लस में क्या बनेगा देखो, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और बी इंटू डी क्या बन गया बी डी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी आपको माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ये बन जाएगा ए सी प्लस आयोटा कॉमन निकालो यहां से, ए डी प्लस में बी सी, ये क्या बन गया माइनस ऑफ बी डी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन, इसको इधर ले आओ, ए सी माइनस बी डी हो गया, प्लस में आयोटा ऑफ ए डी प्लस बी सी, तो ये मल्टीप्लाई बन गई है। मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन यू आर गेटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये रियल पार्ट है इसका, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेटिव हो गई है। इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी वो था क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और ये है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये आप देख पा रहे हैं जेड वन इंटू जेड टू अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है, ठीक है। वहां पर क्या था, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, और यहां पर क्या है मल्टीप्लीकेशन अभी की है ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, वो मैंने बोल दिया स्टार्ट में, वो दोबारा से क्या बनेगी कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगी, और उसको हम क्या बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी ये फर्स्ट है, सेकेंड कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में वही रहने वाला आपका कि जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू जेड टू इंटू में जेड वन, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपकी इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ, वहां पर एडिटिव था ना, यहां पर मल्टीप्लाई की बात करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, पोस्ट डब्ल्यू टू नोटिस का। यस, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नाम से समझ पा रहे हैं आप भाई, किसी नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस वही नंबर आ जाए, फाइव को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि फाइव आ जाए, वन से करूंगा ना तो फाइव मिल जाएगा आपको। ऐसे यहां पर करना है, वन से यहां पर करेंगे, जैसे कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस ये मिल जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वन से, और लिखने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर वन को हम ऐसे लिखेंगे वन प्लस जीरो आयोटा, क्योंकि वन उसके अंदर रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है, इट मीन्स वो क्या है जीरो है, तो इस टाइप से लिखा जाता है इसको, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आती है इसके अंदर वही एसोसिएटिव, जो वहां पर भी पढ़ी है हमने एडिशन में, एसोसिएटिव ला के क्या बनेगा जेड वन इंटू जेड टू जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन जेड टू इंटू में जेड टू, ये एसोसिएटिव होती है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसमें देखिए क्या है
जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता ही आता है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो इसको निकालने के दो तरीके है। एनसीईआरटी में आपको फॉर्मूला मिलेगा ये निकालने का, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में माइनस बी ऑफ आयोटा है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये तरीका है इसका इनवर्स निकालने का, और एक दूसरा तरीका इसका रेसिप्रोकल कर दो। जेड है यहाँ पर, इसको हम इससे भी जानते हैं, इस नाम से और इस नाम से, दोनों से जानते हैं, दोनों एक ही बात है। दूसरा तरीका क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है ना उसका रेसिप्रोकल करो, रेशनलाइज कर दो, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, इससे भी और उससे भी। दूसरा बता रहा हूं मैं आपको, वही अडॉप्ट करेंगे हम छोटा होता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आ गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो रेसिप्रोकल करो पहले, तो रेसिप्रोकल ये बन गया, अब रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज में क्या आ जाएगा ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस, तो इसको सोल्व कर देंगे, ये बना 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 25, तो फाइनली आपका आंसर ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म, और इससे निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आपको कौन सा अडॉप्ट करना है, ये वाला मेथड, जिसमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, पहले उसका रेसिप्रोकल करेंगे और फिर क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, सोल्व करके यू विल गेट योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जेड वन बाय जेड टू, ये करके दिखाना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड वन इंटू वन बाय जेड टू, ठीक है। एग्जाम्पल से करते हैं इसको, जेड वन कोई नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, और जेड टू आपने ले लिया 3 प्लस 4 आयोटा, इनको डिवाइड करना है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, जेड वन है आपका 2 प्लस 3 आयोटा इंटू में 1 बाय जेड टू यानी कि 3 प्लस 4 आयोटा। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही तरीका आ गया है, ये जो अभी किया था ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसका, तो इसको रेशनलाइज कर दो, सीधी सी बात है, यहीं पे कर देते हैं, रेशनलाइज करोगे 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा, तो ये सोल्व कर रहे होगे आप इसको, ये बनेगा अंदर 3 माइनस 4 आयोटा ऊपर और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये बना 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि ये बना आपका 2 प्लस 3 आयोटा इंटू में 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड में 25 कर दो ना, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 25, तो इसको सोल्व करोगे आप 1 बाय 25 बाहर 2 प्लस 3 आयोटा इंटू में 3 माइनस 4 आयोटा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस टाइप से करना है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आता है पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा वेरी इंपॉर्टेंट भाई है, आयोटा की पावर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आयोटा हमने पढ़ लिया था अंडर रूट माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर पढ़ा है माइनस 1, दो तो की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयोटा क्यूब देखो भाई, आयोटा क्यूब का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखो, ठीक है, बेस सेम पावर एड वापस ये बन जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या है आपका माइनस 1 इंटू में आयोटा, वो क्या आ गया ये माइनस ऑफ आयोटा, इट मीन्स आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा की। आयोटा 4 देखो, इसको लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 और ये भी माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1, इस टाइप से हम कितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं आयोटा की, आयोटा 5 हो आयोटा 6 हो कुछ भी हो, उनको इस टाइप से सोल्व करना। अब यही अगर माइनस में हो आयोटा की पावर माइनस होना जाए तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखोगे 1 बाय आयोटा, और एक बात माइंड में हमेशा रखनी है कि आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, जब भी डिनोमिनेटर में आपका आयोटा आए तो उसको रेशनलाइज जरूर करेंगे, यही काम जैसे हम यहाँ कर रहे थे ना, डिनोमिनेटर में आयोटा था तो रेशनलाइज, तो इसको रेशनलाइज करो इंटू आयोटा अपॉन आयोटा बन जाएगा, तो आयोटा इंटू 1 आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर हो गए, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, यानी कि आंसर क्या आ गया माइनस ऑफ आयोटा। इसी टाइप से आयोटा की कितनी भी पावर हो आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो आयोटा की पावर 34 आ गया आपके पास, इसको सोल्व करना है, ये सारे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू में 70, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना ऊपर, मतलब आपको आयोटा की 4 तक रखना है मैक्सिमम, आयोटा की 4 क्या होता है 1 होता है ना, तो हम जितनी भी बड़ी पावर हो ना उसको 2 लिख लो यहाँ पर, और जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 34 था तो 2 तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 34 बन जाए 17 से, तो ये ठीक है यहाँ पर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1,
अपॉन में 17 और माइनस 1 की पावर 17 क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। इस टाइप से करना है। अगर यही नेगेटिव में होता तो ये ऐसे हो तो क्या हो जाएगा, 1 बाय में आ जाएगा, और बाय में आने के बाद फिर से क्या कर देना, रैशनलाइज कर देना। तो ये होता है पावर ऑफ 5 का। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्लास 10 तक। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ पर इन दो नंबर की मल्टीप्लाई, तो क्या होता है, अंडर रूट 35 होता है ना यहाँ पर। तो चेक करते हैं नेगेटिव रियल नंबर के लिए क्या ये पॉसिबल है। इफ होल्ड कर दिया ये फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। आयोटा स्केल उठा लेते हैं हम, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है, पता है आपको। तो आयोटा स्केयर कैसे आना चाहिए, आयोटा इंटू आयोटा की मल्टीप्लाई करो तो आयोटा स्केयर आना चाहिए। और आयोटा की वैल्यू क्या है, अनरूट माइनस 1, और इस आयोटा की वैल्यू क्या है, अनरूट माइनस 1। तो ये प्रॉपर्टी लगाओ इसके ऊपर, इट मीन्स अनरूट ऑफ माइनस 1 इंटू में माइनस 1, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस अनरूट ऑफ 1, जो कि क्या आ गया 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती तो माइनस 1 है, और यहां से क्या आ रही है, 1 आ रही है। इट मीन्स ये नेगेटिव रियल नंबर के लिए होल्ड नहीं करता है। दिस इम्प्लाइज रूट ए इंटू में रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी फॉर नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। नेगेटिव रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका बेसिक था। इसके अंदर जो फॉर्मूले आपने क्लास 10th 9th 8th में पढ़े हुए हैं होल स्क्वायर वाले, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, ये सारे होल्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जेड वन प्लस जेड टू का होल क्यूब है, जेड वन माइनस जेड टू का होल क्यूब है, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर होल्ड होते हैं। तो ये इसका बेसिक था, होपफुली आपको समझ में आया हो। तो पॉज द वीडियो, नोट।